यूनिवर्स में मौजूद हर चीज इस स्पीड से मूव नहीं करती, क्योंकि यहाँ हो जाता है उनका मास इनफिनाइट। ब्लैक होल्स के आसपास मौजूद हर चीज चला जाता है उसके अंदर। ब्लैक होल्स की स्केप वेलोसिटी होती है लाइट से भी ज्यादा। हमारी पृथ्वी पर किस तरह का मौसम है यह इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी सन से क्या दूरी है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में एक मेटियोराइट इंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से लग जाती है उसकी सरफेस पे आग। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बताया है सबके सब गलत हैं, एंड आज के वीडियो में हम इनके पीछे के रियल रीजन को जानेंगे, एंड साथ में क्वांटम लेवल पे इनर्शिया का जन्म कैसे होता है ये भी। नंबर वन, मास नेवर इंक्रीजेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एक कार में बैठे हो एंड उसे लाइट की स्पीड से चलाने के लिए एक्सेलरेट भी करा रहे हो तो वह कार लाइट की स्पीड के 99% या उसके आसपास तो जा सकती है, बट कभी भी लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगी। इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऐसा है, जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है साथ में उसका बढ़ता है मास भी, एंड यूजिंग E=mc² हमें इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड पर मास इन्फिनिट हो जाता है। बट वेट, इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ यूज होने वाला रिलेटिविस्टिक मास रियल नहीं है, एंड ये एक्सप्लेनेशन गलत है। इस उलझन की सुलझन अल्बर्ट आइंस्टाइन के 400 साल पहले सर आइजक न्यूटन के सिद्धांत से मिलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यह कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर बढ़ाना या घटाना हो या इवन उसके डायरेक्शन में चेंज लाना हो तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। न्यूटन के मुताबिक यही एफर्ट फोर्स है, जिसे उन्होंने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में यह सिंपली F=ma के रूप में दिखता है, जिसमें आप मास की इन्फिनिट वैल्यू डालकर मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो कि देखो भाई, लाइट की स्पीड पर चलने के लिए हमें इन्फिनिट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है, एंड इसीलिए लाइट को छोड़कर कोई भी दूसरा चीज इस स्पीड से ट्रेवल नहीं करती। बट वेट, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग है। शॉकिंग राइट? दरअसल F=ma इक्वेशन भी रॉन्ग है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन है, जिसे हाई स्पीड पर यूज करना इलीगल है, बट पता नहीं क्यों लोग आज भी इसका यूज करते हैं, एंड इसी वजह से ये पूरा का पूरा मिसकॉन्सेप्शन आता है। रियलिटी में फोर्स का रिलेटिविस्टिक वर्जन ये है। देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसेंशियल यह इस बात को बताता है कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया यानी वह प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के स्पीड या डायरेक्शन में होने वाले चेंजेज को रजिस्ट करता है, सिर्फ उसके मास पे ही डिपेंड नहीं करता, बट साथ में उसका मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी भी इसे अफेक्ट करता है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ये सब तो ठीक है, बट क्वांटम लेवल पे क्या होता है, तो गाइज इसका जवाब बैलोंजी फ्रांसिस ने अपने बुक क्वांटम ग्रेविटी इन ए नटशेल में दिया है, एंड उन्होंने हमारी इस वीडियो को बनाने में भी काफ़ी हेल्प की है, सो बिग थैंक्स टू हिम। मिस्टर बैलोंजी का ऐसा मानना है कि किसी पार्टिकल के इनर्शिया का जन्म जीरो पॉइंट फील्ड में होने वाला क्वांटम फ्लक्चुएशन और उस पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। जैसे जैसे वो पार्टिकल अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसका यह इंटरेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है, जिससे एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, एंड इसी रेसिस्टेंस को हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। नंबर टू, हर चीज़ ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती। नोप, ब्लैक होल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को निगलते हैं जो उनके सिंगुलैरिटी से एक खास दूरी के अंदर होते हैं। इस डिस्टेंस को आप इवेंट होराइजन के नाम से जानते हो, जो एक स्फीयर के रूप में होता है। इस इवेंट होराइजन के बाहर ब्लैक होल किसी भी दूसरे सेम मास वाले ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है, एंड अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें एंड सिर्फ ग्रेविटी की मदद से एक ब्लैक होल और सेम मास वाले स्टार के बीच कंपैरिजन करें, तो आप कभी भी यह नहीं बता पाओगे कि स्टार कौन सा है और ब्लैक होल कौन सा। अमेजिंग राइट? नंबर थ्री, ब्लैक होल की स्केप वेलोसिटी होती है लाइट से भी ज्यादा, एंड इस वजह से लाइट भी नहीं कर पाते हैं इसे स्केप। नॉप, ब्लैक होल्स और स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लैनेट अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी
अगर आप एक रॉकेट इंजन बना लेते हो जो किसी तरह से एक बार इस स्पीड को पकड़ लेती है एंड उसके बाद उसका इंजन बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है व्हाटएवर, तो इसके बाद भी यह रॉकेट हमारे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। बट सैडली हमारा कोई भी रॉकेट इंजन इस स्पीड के आसपास भी मूव नहीं करता। फिर इसरो ने इतने सारे स्पेस मिशन कैसे किए हैं? वेल गाइज, स्पेस में जाने के लिए जरूरी नहीं कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इस पर्टिकुलर स्पीड से ही चले, बल्कि एक दूसरा मेथड भी है कांस्टेंट थ्रस्ट का, जिससे इसेंशियली रॉकेट अपने खास स्पीड से मूव करते हैं एंड अपनी इस स्पीड को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। बट ब्लैक होल्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट की स्पीड ब्लैक होल्स के अंदर भी वही रहती है जो उसके बाहर। बट सिंपली ऐसा होने का रीज़न यह है कि लाइट का फ्यूचर कहीं और नहीं बल्कि खुद सिंगुलैरिटी होता है। नंबर 4, वेदर चेंज ड्यू टू टिल्ट। हमारी पृथ्वी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूम रही है, जो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, जिसे इफेक्टिवली सन और अर्थ के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। बट वेदर के चेंज होने का रियल रीज़न हमारी अर्थ के 23.5 डिग्री टिल्टेड होना है, जिसकी वजह से जब वो इस साइड होती है तो ये वाला पार्ट सन के करीब होता है एंड जब वो इस साइड होती है तो ये वाला। नंबर 5, मेटियोर में आग फ्रिक्शन की वजह से नहीं लगती। जब मेटियोर हमारे एटमॉस्फेयर को एंटर करता है तो हमेशा उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से मेटियोर के सामने जो एयर मौजूद होता है वो एस्केप नहीं कर पाता एंड वहीं पे कंप्रेस हो जाता है। बट क्योंकि एयर हीट का पुअर कंडक्टर है, इस वजह से ये सारा हीट एटमॉस्फेयर में फैलने के बजाय उस मेटियोर में चला जाता है। इतना सारा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद मेटियोर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो जल्दी उसके इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है एंड इससे मेटियोर तुरंत फायर कैच कर देता है। गाइज, एक सीक्रेट बताऊँ, ये वाला एक मिसकॉन्सेप्शन ना मुझे भी था, बट वीडियो बनाने की प्रोसेस में क्लियर हो गया। वैसे आप इनमें से किनको रियल मानते थे हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर तो करना बनता है। एंड हाँ, आने वाले समय में किस तरह के वीडियोस देखना चाहोगे हमें यह भी कमेंट में जरूर बताना। एंड स्टे क्यूरियस, क्योंकि लर्निंग का फर्स्ट स्टेज क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस पूछना है, तो हमें कमेंट में उन सभी क्वेश्चंस को शेयर जरूर करो जो आपको परेशान करती है एंड हम रिप्लाई जरूर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज में फीचर भी। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी फिजिक्सिंग।